गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के खेतली गांव में देर रात छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्किल इंस्पेक्टर ने पूरी जानकारी दी। 222 को थाना में गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम खेतली एक व्यक्ति के द्वारा हथियार रखा जा रहा। इस सूचना का तत्काल वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला के निर्देशानुसार थाना प्रभारी हरीश कुमार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम खेतली लाया गया और धनेश्वर अहिर नामक व्यक्ति के घर में तलाशी ली। तलाशी के क्रम में धनेश्वर अहिर के घर से 12 बोर का डबल बैरल का एक देसी हथियार बरामद किया। उसके उपरांत धनेश्वर अहिर की निशानदेही पर फिर जो है देवधन उराव के घर में तलाशी लिया गया और वहाँ से जो है दो जिंदा गोली तथा 4 खोखा 12 बोर का बरामद किया। हथियार का कोई वैध कागजात नहीं दिखाने के उपरांत डुमरी थाना कांड संख्या 22/6/2022 धारा 25(1)(b)(26)(35)(8) में पेश किया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।